हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमंत कुमार सोनकुसरे, हेड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड सिलेबस. नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मेजर इश्यू, दैट व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग, और इन विच वर्ड वी आर गोइंग टू से व्हाट डज इट मीन सिविल इंजीनियरिंग. नाउ एज फार एज कंसर्न we are going to see many structures, wonders, marvels. Then one question came into mind: who constructed this particular thing? किसने बनाया होगा ये? अगर हम ऐतिहासिक काल में जाते हैं और वहाँ देखते हैं, तो वहाँ बहुत सारे structure, monuments ऐसे बनाए हैं जो आज civil engineering को शायद संभव ना हो. But as far as vertical technology and vertical growth, सिविल इंजीनियर ऑलवेज बी फोकस ऑन द वर्टिकल डेवलपमेंट एंड वर्टिकल ग्रोथ. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. तो स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज दिस पर्टिकुलर ब्रांच इज डिवाइडेड और क्लासिफाइड इन टू मेनी वेज बिकॉज दिस इज अ ओल्डेस्ट ब्रांच आफ्टर अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेस. सो फ्रॉम द बिल्डिंग मटेरियल टू अ न्यूअर टेक्नोलॉजी, दैट इज इट्स इंटेलिजेंट transportation system, that everything adopted by civil engineering. Now let's see one by one what is building material. Actually this is a well specified branch, name suggested, building material. Building material means what? कोई भी एक हम construction की बात करें तो उस particular चीज़ को बनाने के लिए हमें बहुत सारे type के materials चाहिए. जैसे अगर river है तो उसमें से हमें sand चाहिए. नाउ सैंड हैज़ ऑल्सो अ क्लासिफिकेशन. सो सैंड को हमें कंस्ट्रक्शन के लिए यूटिलाइज करना है तो वो कहीं ना कहीं से तो बोरो करनी पड़ेगी. सो फॉर दैट देर इज अ सेपरेट ब्रांच, और वी कैन से अ सेपरेट प्रोविजन, फ्रॉम दैट वी कैन फेच द पर्टिकुलर मटेरियल. अगेन इफ अ मैसिव रॉक स्टोन इज देयर, देन वी वॉन्ट अ स्मॉल कट पीस ग्रेवल. गुजरात में शायद उसे कपची कहते हैं. सो ये जो कपची है इसको हमें कंस्ट्रक्शन के लिए यूटिलाइज करना है या यूज़ करना है, तो वो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन बनाएगा? तो ये सारा के सारा बिल्डिंग मटेरियल्स एंड सप्लायर्स, आप यहाँ पूरे जोन में देख सकते हैं आजू बाजू, यही लोग आपको सप्लाई करेंगे. ये कोई इंजीनियर सप्लाई नहीं करता, ये कोई कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई नहीं करता. सो फॉर दैट द बिल्डिंग मटेरियल पर्टिकुलर branch provides a very good quality of material which is prescribed by ICE code. Let's see next branch. In next branch, what say? In building construction, there is a fast rate of urbanization. जैसे कि सारी जो बड़ी बड़ी सिटी है, मेट्रो सिटी, उनमें घनी आबादी क्षेत्र हो रहा है, और उसी घनी आबादी के चलते अभी आप भी देख सकते हो कि क्या कोविड का फैलाव हो सकता है. तो अगर हमको ये फास्ट रेट ऑफ अर्बनाइजेशन के हिसाब से चलना है, जो कि 23 बिलियन इंडियंस जो है वो विदाउट होम रहते थे, उसमें से अभी 19 बिलियन तक का हमने टारगेट अचीव कर लिया है. बट इन लोगों को घर प्रोवाइड करने के लिए कोई तो चाहिए, तो वो कौन हो सकता है? वो एक सिविल इंजीनियर हो सकता है. सो फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड लो कॉस्ट हाउसेस फॉर द पुअर एंड नीडी पीपल. In every state of India, there is a scheme for low-cost housing by the state government. उस particular को बनाने के लिए हमें as a engineer, और वो भी government engineer के तरह के काम करते हुए, उसे public work department कहते हैं. गुजरात की बात करें तो उसे city engineer और city engineering department कहते हैं. So this particular thing is recognized with building construction. Now the next and most important part is a structural engineer. भाई स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता क्या है कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए आज कम से कम 10 से 12 टाइप के अलग अलग इंजीनियर की ज़रूरत होती है, और वो अलग अलग उसमें का काम करते हैं. स्ट्रक्चरल इंजीनियर का क्या काम है? सो बेसिकली ही फाइंड आउट्स मेनी फोर्सेस, बिकॉज इन ईच स्ट्रक्चर दे आर हैविंग अ मेनी फोर्सेस सच एज डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सिस्मिक लोड एंड स्नो लोड. नाउ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इंजीनियर हैविंग इक्विप्ड विथ बी सिविल
प्लस एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, देन एंड देन ही कैन एनालाइज और डिजाइन द स्ट्रक्चर. ओनली बी सिविल इंजीनियर कैनॉट बी डील विद द न्यूमरस फोर्सेस. सो राइटली आई एम गोइंग टू सेट दैट डेड लोड. अब ये डेड लोड भी कितने प्रकार का होता है, अगर हम बात करें डेड लोड की और बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, अब एक के साथ दूसरा इसके साथ वो जुड़ा हुआ है. तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का डेड लोड, डेड लोड यानी प्लास्टिक का डेड लोड अलग होता है, स्टील का डेड लोड अलग होता है, आप हर कोई चीज़ जो आपके घर में रखते हैं उस सब का डेड लोड अलग होता है. तो ये डेड लोड कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये डेड लोड हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के 875 पार्ट वन में मेंशन किया हुआ, वहाँ से हमको ये सारी वैल्यूज़ लेना है. और के ये तो केवल डेड लोड की बात, लाइव लोड की बात करें तो 875 पार्ट टू, विंड लोड की बात करें तो 875 पार्ट थ्री. अगेन उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे फैक्टर्स है. जनरल भी हमें डिज़ाइन करना हो कोई विंड लोड के लिए स्ट्रक्चर, सो वी बी इज इक्वल टू के वन के टू के थ्री इंटू वन पैरामीटर फोर्स वीजेड. अब ये वीजेड भी क्या है, तो पूरे इंडिया में हवा का दबाव एक जैसा नहीं होता है. वो हवा का दबाव एक जैसा नहीं होने के कारण हमको उसको एनालिसिस करना है कि भाई हम राजकोट में रहते तो राजकोट का क्या है, हम अहमदाबाद में रहते तो अहमदाबाद में क्या होता है. और इसमें भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, हम खुली आबादी वाली जगह पे है, घनी आबादी वाली जगह पे है, हमारे घर के पास बहुत सारे ट्रीज है, वो सब हमें देखना है. ये देखने के बाद हम तय कर पाएंगे कि कौन सा फैक्टर कहाँ पे लगा सकते हैं. तो इतना काम स्ट्रक्चरल इंजीनियर का है कि ही कैन फाइंड द मेनी फोर्सेस, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड. और दूसरी बात कि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ सारे प्रकार का, संभवतः सारे प्रकार का वातावरण, हवामान उपलब्ध है. हमारे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की सबसे अत्यधिक बारिश मौसिनराम चेरापूंजी में होती है. अत्यधिक टेम्परेचर की बात करें तो राजस्थान और पूरा थार का डेजर्ट अलग, मतलब दो कॉन्ट्रावर्शियल स्टेजेस है, एक जगह बहुत बारिश होती है और एक जगह बहुत धूप होती है. तो दोनों के लिए स्ट्रक्चर की बनावट जो होगी वो डिफरेंट होगी. इट इज़ नॉट सेम कि वहाँ पर भी वैसा ही घर बनाया जा और यहाँ पर भी ऐसा ही घर बना. तो ये रेक्टिफाई कौन करे, सो दिस पर्टिकुलर रेक्टिफाई बाय स्ट्रक्चरल इंजीनियर. नाउ लेट्स सी वन नेक्स्ट, दैट इज अर्थक्वेक इंजीनियर. आपको शायद पता ही होगा कि हमारे यहाँ गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 को, तो बहुत सारा नुकसान हुआ था. अब ये नुकसान होने के कारण क्या थे, कारण ये नहीं था कि हमारे घर वीक थे या उसके नीचे की ज़मीन बराबर नहीं थी, वीक थी हमारी सोच और हमने जिस सोच से वो डिज़ाइन बनाया था वो गलत था. उसके बाद तुरंत इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करते हुए तुरंत एक कोड बनाया जिसका नाम है IS 13920. IS 13920 में डक्टाइल डिटेलिंग के बारे में दिया है और IS 1893 में पूरा भूकंपरोधी संरचनाओं के मापदंड दिए हुए. तो अब हम इससे करें क्या, किस प्रकार से घर बनाएं? जैसे हम राजकोट में रहते हैं वैसे कच्छ भुज में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, नागपुर रहते हैं, मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं. सो ये जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स है, ये प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट बताकर नहीं आती. सो वेन एवर द प्लेट्स आर मूविंग ईच अदर देन इट मे बी, इट माइट हैव बीन चेंजेस, धीरे धीरे उसमें सेटलमेंट होता है, कभी ये टकराती है. इससे जो अर्थक्वेक उत्पन्न होता है, तो ये अर्थक्वेक को हमें रोकने के लिए एक सेपरेट इंजीनियर की ज़रूरत है. बहुत सारे IITs में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग को कंबाइन करके पढ़ाया जा रहा है. तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एक सेपरेट ब्रांच है जिसमें केवल और केवल अर्थक्वेक के रिलेटेड फोर्सेस ही फाइंड करते हैं. जैसे इसमें अगर अर्थक्वेक का अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो वो IS 1893 में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, जैसे Z/2, I/R एंड SA/G. नाउ Z मीन्स वॉट, Z मीन्स जोन, कि आप भारत के कौन से जोन में रहते हैं. 2 इज अ स्टैंडर्ड फैक्टर. नाउ I इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सो इम्पॉर्टेंस फैक्टर यानी क्या, कि हमारे क्षेत्र में आने वाली सारी बिल्डिंग्स, लगभग सारी बिल्डिंग्स इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. सो इम्पॉर्टेंस कौन सी बिल्डिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग, पानी की टंकी. मान लो जितने लोग अर्थक्वेक से नहीं मरते हैं उनसे कई ज़्यादा लोग तो अर्थक्वेक के बाद सेवा सुविधा उपलब्ध न होने के कारण मरे जाते हैं.
जैसे कि पानी की टंकी कोलैप्स हो गई, तो आपके घर में पानी फास्ट तरीके से कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि उस समय तो रोड के ऊपर ऐसा हो सकता है कि बिल्डिंग गिरी हो, बिजली के पूरे जो केबल्स है वो बिखरे पड़े हो, तो वो लोग भी आपको तुरंत राहत नहीं पहुंचा सकते। सो अर्थक्वेक इंजीनियर क्या करता है, बेसिकली आपके बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाता है, प्रूफ नहीं बनाता, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाता है। ही आर जस्ट गोइंग टू फाइंड वेरियस फोर्सेस, वो फाइंड करता है और आपको एक अर्थक्वेक आने के बाद एटलीस्ट इतनी प्रोबेबिलिटी बने कि आपकी लाइफ सेफ हो जाए और आपको टाइम मिल जाए, वो काम है अर्थक्वेक इंजीनियर का। लेट्स सी नाउ नेक्स्ट, जियोटेक्निकल इंजीनियर। जियोटेक्निकल इंजीनियर मीन्स व्हाट? इंजीनियर हु डील्स विद सॉइल। अब तक के इंजीनियर जो मैंने बताया वो कोई मटेरियल के साथ बात कर रहा था, तो कोई स्ट्रक्चर के साथ बात कर रहा था, तो कोई अर्थक्वेक के साथ बात कर रहा था, बट ये ऐसा इंजीनियर है जो सॉइल के साथ डील करता है। सॉइल में बहुत सारे टाइप की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने देखा होगा तो हम पेड़ पौधे लगाते वो सॉइल अलग होती है, राजस्थान में पाई जाने वाली भुरभुरी रेत वो भी एक सॉइल का ही टाइप है, बट वो एक अलग है, मुरुम अलग है। तो इसका क्लासिफिकेशन कहीं किया होगा। अब ये क्लासिफिकेशन कहीं किया होगा तो हमें वो बताना भी होगा कि सॉइल के साथ किसी चीज़ का क्या रिलेशन है, क्योंकि हम खड़े क्यों रहते हैं, क्योंकि हम खड़े रहने के पीछे जो नीचे का सरफेस है वो हार्ड होता है। इसकी जगह पे आप मार्शी लैंड कर दो, पानी में हम प्रायतः खड़े नहीं हो सकते, तो पानी में खड़े नहीं हो सकते तो पानी में अच्छे तरीके से कौन खड़ा हो सकता है? तो बतख, बतख के पैर देखो आप तो बिल्कुल छाते जैसे होते, और वो छाते से ऐसे मूव करता है पर्टिकुलरली। अब ये मूव करने की मूवमेंट में, अब आप सोचो कि आपको स्ट्रक्चर पानी में बनाना है तो आपको किसको फॉलो करना होगा? जो एक्वेटिक एनिमल्स है उसको, अगर हम उसकी तरफ देखें तो संभव हो सकता है। तो हमें एंटायर स्ट्रक्चर पूरा के पूरा सॉइल पर रखना है। अब सॉइल पर रखने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉइल उसमें से पिचिंग पिच आउट हो गई, बाहर आ गई, तो हमें उसका सी फाई मतलब कोहेजन और एंगल पता होना चाहिए। ऐसा बहुत से केसेस में हुआ है पिछले पास्ट हिस्ट्रीज में कि जो ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज बनाने के बाद ब्रिज तो बना देते हैं, लेकिन जब उसको हम अंडर वर्किंग लोड में देते हैं तो ऐसे पता चलता है कि उसकी रिटेनिंग वॉल कुछ सेंटीमीटर से मूव हो गई। फिर जनरली एक क्वेश्चन और सवाल आता है कि क्या कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे खाए हैं, क्या इंजीनियर इसमें दोषी है? तो इसका सही आंसर यह है कि उसका बराबर तरीके से मिट्टी का एनालिसिस नहीं उपलब्ध होने के कारण इस तरीके का एक्सीडेंट हैपन हुआ। सो ये लोड्स सॉइल के ऊपर आने वाले, और इसको जो सॉइल के लोड्स है वो वास्तविक कितना कैपेसिटी का लोड ले सकता है, माने एक ज़मीन के ऊपर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कितनी देर खड़ा रह सकता है, क्या उसकी वार्षिक सेटलमेंट होगी, कंसोलिडेशन होगा, दैट पर्टिकुलर वर्क्स कम्स इनटू अंडर जियोटेक्निकल इंजीनियर। इंडिया के अंदर बहुत कम जियोटेक्निकल इंजीनियर हैं। उसका कारण भी ऐसा है कि दिस ब्रांच इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड रिलेटेड टू सॉइल, द टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी हार्ड, बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रांच इज वेरी हाई। लेट्स सी नेक्स्ट पर्टिकुलर ब्रांच, एंड द ब्रांच इज हाइड्रोलिक्स, वाटर रिसोर्सेस एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग। नाउ हाइड्रोलिक्स, हाइड्रा, हाइड्रा मीन्स व्हाट? अ वाटर, अ रिलेटेड स्ट्रक्चर और रिलेटेड पर्टिकुलर थिंग, व्हाट इज कॉल्ड अ हाइड्रोलिक्स। नाउ हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्सेस, हाइड्रा मीन्स वाटर, पानी, पानी के संबंधित वाला जो भी क्षेत्र है उसे हम हाइड्रोलिक्स के नाम से बीइंग अ सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर संबोधित करते हैं। वाटर रिसोर्सेस मीन्स व्हाट? हमारे पास पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की अगर बात करें तो वाटर रिसोर्सेस मीन्स हमारे पास पानी के कई सोर्सेस हैं, बट व्हाट डज मीन बाय रिसोर्सेस, हम उसको किस प्रकार से सींच के आप तक वो पानी पहुंचाया जाए। और दूसरा मेजर पार्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में केवल हाइड्रोलिक्स जो है वो एक स्मॉल पार्ट है, बट आप जब सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हो तो सिविल इंजीनियरिंग में इरिगेशन इंजीनियरिंग के दो पार्ट हैं। तो हमारे हाइड्रोलिक्स में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो अभी बारिश के दिन हैं, बारिश के दिन चालू होने के ही थे कि
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और वेदर फॉरकास्ट डिपार्टमेंट ने इन द मंथ ऑफ मार्च में ही बता दिया था कि इस साल पानी का कितना आने वाला पानी है, बारिश का पिछले साल के मुकाबले कितनी बारिश आने वाली है, क्या उपलब्धियां हो सकती है, वो हमें पहले ही बता देना है। अगर हम पहले ही उस पर्टिकुलर चीज़ को बता पाए तो उसका फ़ायदा लोगों को होगा, वो अपने क्रॉप को डिसाइड कर पाएंगे कि भाई इस बार कपास लगानी है या और उसके बदले दूसरा कुछ लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स एंटायर थिंग्स ऑन दिस हाइड्रोलिक्स। नाउ हाइड्रोलिक्स मीन्स डैम्स, रिटेनिंग वॉल्स, द स्ट्रक्चर विच आर रिलेटेड विथ वाटर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। एंड वाटर रिसोर्सेस मीन्स कि हमें इसके लिए पर्याप्त संसाधन ढूंढते हुए पानी सब तक पहुंचाना है। देन नेक्स्ट इज द इरीगेशन इंजीनियर। इरीगेशन इंजीनियर मीन्स वॉट, कि पानी अगर आपने एक डैम के लिए बनाया तो उसके दो भाग होते हैं, एक इंडस्ट्री को जाता है, एक इरीगेशन को जाता है, और जो हमारी मुख्य भूमिका है पानी पीने के लिए वो हमें आता है। तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है, इट इज़ नॉट रन बाई ए सिंगल डिपार्टमेंट। सो इरीगेशन डिपार्टमेंट अलग है, सिटी इंजीनियर या PWD आपका स्टेट का डिपार्टमेंट अलग है। सो दिस पर्टिकुलर इंजीनियर टोटली डील्स विथ हाइड्रोलिक्स। एंड नाउ अब आपके घर तक पानी आ गया या आपके सिटी तक पानी आ गया, नाउ नेक्स्ट इंजीनियर व्हाट, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियर। वाटर सप्लाई इंजीनियर का क्या काम है कि मानो के राजकोट शहर है जिसकी आबादी 20 से 25 लाख के बीच में है, तो अब ये 20 से 25 लाख की आबादी तो अगले 10 साल में इतनी नहीं रहने वाली, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। अब ये ट्रेंड कौन बताएगा, कौन इस पर्टिकुलर ट्रेंड के ऊपर वर्क करेगा? सो इसके ऊपर वर्क करने के लिए और अलग से इंजीनियर होते हैं कि व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर्स एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन राजकोट सिटी। सो कंसिडरिंग दैट दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ वाटर टैंक्स, आप पूरे सिटी में देखेंगे तो आपको सभी जगह पे वाटर की टैंक्स दिखाई देगी। इसके पहले की जो ब्रांच की बात की थी वो ऐसा है कि हमारे यहाँ पे आजी और नारी डैम है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलिक्स वाटर रिसोर्सेस, बट हमारे क्रिस्टल मॉल के सामने जो वाटर टैंक है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दैट इंजीनियरिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ सिटी इंजीनियर। सो दे आर गोइंग टू डिसाइड, दे आर गोइंग टू थिंक, दे आर गोइंग टू प्लांट अ नेटवर्क। अब हमारे घर में पानी आ गया, अब हमने एक दिन में एक आदमी को पानी की कितनी ज़रूरत होती है, तो एक दिन में एक आदमी को 135 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। अब ये 135 लीटर पानी में से कुछ पानी का लॉस हो जाएगा, कुछ का हम कंजम्पशन करेंगे, कुछ के हम बर्तन धोएंगे, कुछ के गाड़ी गार्डनिंग, ऐसा सबको पानी मिला के बाद में ये पानी कहाँ जाएगा, ये वापस से गटर में जाएगा। अब ये गटर में गए हुए पानी को इफ़ वी आर गोइंग टू डायरेक्टली डिस्पोज इन टू अ वाटर बॉडी, अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को वाटर बॉडी में डायरेक्टली छोड़ देंगे, देन एक्वाटिक लाइफ इन डेंजर। अगर आपको एक कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे यहाँ पे ही रिवर है जेतपुर के पास भादर, इस पर्टिकुलर रिवर का पानी पूरा काला हो गया, क्यों, वाई, बिकॉज ऑफ एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट नॉट टेकिंग केयर ऑफ द रिवर, दे आर गोइंग टू टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट्स। सो सैनिटेशन इंजीनियर क्या करता है, बेसिकली इस पर्टिकुलर ई वेस्ट हो, सॉलिड वेस्ट हो या और कोई भी टाइप का वेस्ट हो, इसको डिस्क्रिटाइज करते हैं। सैनिटेशन इंजीनियर मींस आपके घर में रोज सुबह जो कचरा उठाने के लिए आते हैं उसका सेपरेट डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि इस गांव में इतने लोग हैं तो कितना कचरा जमा होता होगा। मानो कि एक शहर में ये कंप्लीट कचरा 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो, केवल 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो, देन व्हाट हैपेंड, Everywhere there is a problem of flies. Flies के वजह से बहुत सारे problems होंगे, फिर diarrhea, इसके ऊपर से mosquitoes, malaria, ये सारे problem ना हो, इसके लिए separate department, water supply and sanitation department, वो आपके घर के गंदे पानी की, कूड़ा कचरे की खास ख्याल रखता है, पानी के संबंधित और solid waste के संबंधित। So next is a एनवायरमेंटल इंजीनियर। नाउ एनवायरमेंटल इंजीनियर, हमारे इंडिया में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, बट एनवायरमेंट इंजीनियर बेसिकली फोकस ऑन द वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज सच एज पोल्यूशन, सेकेंड वन इज नॉइज। अब ये
एनवायरमेंटल इंजीनियर होगा ही नहीं तो पोल्यूशन का कोई मापदंड हो नहीं सकता। तो आप अगर देखोगे किसी भी कॉलेज के सामने से, स्कूल के सामने से, अस्पताल के सामने से जाओगे तो वहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना इसकी एक बड़ा बोर्डिंग लगाया होता है। अब ये बताएगा कौन? ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बताएगा कि भाई इस जगह पे बच्चे पढ़ते हैं तो यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, और वो हॉर्न की क्या लिमिट हो वो सारा निर्धारण करना हमारे इंजीनियर का काम है, और वो भी एनवायरमेंट। दूसरा सबसे मेजर इशू है इंडिया में कि वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ वेरी गुड इंडस्ट्री एंड ऑल द मैटर्स, बट वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनवायरमेंट, सो ऑल द स्टैक्स क्रिएट्स अ वेरी लार्ज क्वालिटी ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन में ऐसा है कि अब इसमें से केवल धुआं ही नहीं निकलता, इसमें से जहरीली गैस भी निकलती है। सीमेंट इंडस्ट्री हो तो आजू बाजू के गाँव में अगर वो आप जो धूल दिखाई देता है या धुआं दिखाई देता है आपको, वो एक्चुअली पोल्यूटेड पार्ट नहीं है, वो एक्चुअली स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सीमेंट है। वो दूसरे गाँवों में वहाँ से जो इर्द गिर्द 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव है उसमें धीरे धीरे हवा की वजह से सेटल हो जाते हैं और वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाती है। अब इसका ख्याल कौन रखे? तो इसका ख्याल रखने का काम है एनवायरमेंटल इंजीनियर का। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हमारे इंडिया में इसके रिगार्ड्स में पूरी की पूरी मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री। अब ये ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है? तो हम जिन माध्यमों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह के लिए कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट मीन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैं एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, तो ये दूसरी जगह जाने के लिए जो माध्यम हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू अवर बजट, सो दैट पर्टिकुलर फिनोमिना और दैट पर्टिकुलर। नाउ वन क्वेश्चन केम इन टू द माइंड कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर है तो इसमें भी देखो, अब इसमें दो चार विभाग अलग हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर की मैंने डिग्री ले ली और मैं एयर के साथ काम करने लगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बाद आपको उसका स्पेशलाइजेशन करना होगा कि अगर मैं एयरपोर्ट के साथ काम करता हूँ तो एयरपोर्ट का डिज़ाइन अलग होता है, रोड्स के डिज़ाइन अलग होते हैं। रोड्स में भी दो डिज़ाइन होते हैं, एक तो बिटुमिन वाला डिज़ाइन जिसे हम फ्लेक्सिबल पेमेंट कहते हैं, और दूसरा डिज़ाइन होता है रिजिड पेमेंट जिसे हम RCC का स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें कंप्लीट कॉन्क्रीट वर्क का इस्तेमाल होता है। फिर हम हवा के माध्यम से जा सकते हैं, रोड के माध्यम से जा सकते हैं, और दूसरा कॉमन जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पैमाने पे यूज़ होता है वो है रेलवे। रेलवे उसके बाद पिछले साल से हमने जब से नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया है तब से जो हमारे एविएशन मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने गंगा के अंदर से इनलाइन नेविगेशन शुरू कर दिया है। सो हमारे इंडिया में कितने किलोमीटर का, 5000 से भी अधिक किलोमीटर का समंदर लगा हुआ है। अब ये किलोमीटर का हम फायदा ले तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हेवी संसाधनों के लिए यूज़ करते हैं वो बच सकता है। अगर हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करें तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज अ टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। टाउन प्लानिंग इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड आर्किटेक्चर इज अ डिफरेंट स्ट्रीम बट विच इज कनेक्टेड टू सिविल इंजीनियरिंग। टाउन प्लानिंग मीन्स आज राजकोट सिटी का एग्जाम्पल लिया जाए तो राजकोट सिटी में बरसों पहले की बॉर्डर्स यदि कंसिडर की जाए तो क्रिस्टल मॉल के बाद कुछ नहीं था, उस साइड में कुवाड़वा के बाद कुछ नहीं था, तो अब 20 साल के बाद भी ये सीन नहीं है। इसमें अब नया 150 फीट रिंग रोड आ गया है तो ये काम कौन करे? तो इसके लिए स्पेशल टाउन प्लानर जो अगले 40 साल के बाद कौन से साइड में पॉपुलेशन बढ़ सकता है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी पुरानी संस्कृति वहाँ पे मिल सकती है, जैसे गुजरात में लोथल संस्कृति पाई गई जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी पुरानी है। तो ऐसी संस्कृति मिलने के बाद संभावनाएं ऐसी होती है कि लोग वहाँ पे ज़्यादा बस जाए। सो ये वर्क टाउन प्लानिंग का। और आर्किटेक्चर का बेसिक वर्क क्या है कि आर्किटेक्चर पर्सन का, एक मैं सिंपल से शब्दों में कहूँ तो आर्किटेक्चर वो ब्यूटी पार्लर जो होता है और आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है। वो भी जो चीज़
है और वास्तविक में नहीं है ऐसे दिखने के फर्क में बना देते हैं, और सारे प्रावधानों को कंसीडर में करके करते हैं, वो आर्किटेक्चर है। और स्ट्रक्चरल डिजाइनर क्या है, जो उसके अंदर बोन्स, बॉडी के अंदर बोन्स को यदि कंसीडर किया जाए तो वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, और बाकी ऊपर का मेकअप जो है दैट वी कॉल्ड इट एज अ आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर इज अ सेपरेट ब्रांच। नाउ नेक्स्ट इज अ सर्वेइंग। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, बिकॉज कोई भी काम शुरू होने के पहले, आई रिपीट अगेन, कि कोई भी काम शुरू होने के पहले जो आदमी बाहर जाके जहाँ कुछ नहीं है, जंगल झाड़ी ही है केवल, वहाँ पे लोग भी नहीं है, वहाँ जाके उस ग्राउंड के, पर्टिकुलर ग्राउंड के रिलेटिव हाइट्स, कंटूर, मैपिंग, ये जो कुछ करता है वो सारा के सारा सर्वेइंग ब्रांच में डील होता है। नाउ आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा, रोड साइड में कोई आदमी ट्रिपॉड स्टैंड लगा होगा, उसमें से देखता होगा, तो हमारे मन में क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि भाई ये करता क्या है, कि शादी तो है नहीं यहाँ पे, फोटोग्राफी किस चीज़ की हो रही। तो फोटोग्राफी असल में वो ग्राउंड की हो रही है, उस पर्टिकुलर ज़मीन की हो रही है, उस पर्टिकुलर रोड की हो रही है। उससे उसे क्या पता चलेगा, उससे उसे ये पता चलेगा कि हमें कंस्ट्रक्शन का मटेरियल कितना यूज़ करना है। यदि हम रोड की बात करें तो हमें पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर रोड पे क्या लेवल्स है, क्या हाइट है, वो हमें उस पर्टिकुलर जगह से पता चलेगा। ये काम किसका है, सर्वेइंग का। सर्वेइंग इज अ सच ए ब्रॉड ब्रांच। वो पहले, सबसे पहले उसको मिलिट्री इंजीनियरिंग में ट्राई करा, ये सैटेलाइट्स के वजह से। अब तो इतना मॉडिफिकेशन आ गया है, पहले हम लोग जब शुरुआती के दिनों में इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ तो वो केवल चेन टेप और डंपी लेवल और एलिडेड ऐसे सब चीज़ों से करते थे, बट नाउ सर्वेइंग इज सो वास्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज नाउ टोटल स्टेशन। सो इन टोटल स्टेशन वी आर टेकिंग डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स एंड ड्रॉ अ मैप विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड। हम तुरंत उसको ऑटोकैड के सहारे करते हैं, और इस चीज़ को हम अभी सैटेलाइट के साथ भी जोड़ सकते हैं। इट इज वेरी एसेंशियल और नीडी सर्विस के लिए हम उसको सैटेलाइट के साथ जोड़ के भी सर्विंग की जा सकती है। सो दिस इज अ स्कोप ऑफ सर्विंग। नाउ नेक्स्ट इज अ ड्रॉइंग एंड ड्राफ्ट्समैन। इसमें ड्रॉइंग एंड ड्राफ्ट्समैन इसलिए कहा गया है कि बहुत सालों पहले ऐसी भ्रांति थी कि द गर्ल कैन नॉट ज्वाइन सिविल इंजीनियरिंग बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग वेरी रफ एंड टफ ब्रांच एंड द पीपल एंड द इंडस्ट्री पीपल आर नॉट गोइंग टू टॉक वेरी वेल। बट अभी सीन ऐसा नहीं है। नाउ वो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो लोग भी हमारे साथ, सारी लड़कियां इस ब्रांच के साथ जुड़ रही है। अब साइट पे नहीं भेज सकते, क्रिटिकल कंडीशन है, साइट पे नहीं भेज सकते हैं, उस केस में वो ड्राइंग तो बहुत बढ़िया बना सकती है। सो ड्राइंग किस माध्यम से बनाया जाए, तो पहले तो ड्राइंग हम बहुत बड़ी सी शीट और ड्राफ्टर लगा के बहुत घंटों मेहनत करने के बाद कुछ करते थे, बट अब सीन बदल गया है। नाउ ऑटोकैड, रेविट, many of the softwares are available, so through that software they can draw whatever the drawing given by surveyor, town planner or architect. In a single room they can draw this particular thing. So drawing is the language of engineer. Ki neela color kiska hota hai, green color kiska hota hai, off break line means what, wo sara ke sara drawing aur draftsman ko। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ड्राफ्ट्समैन नाम की पोस्ट भी होती थी, आईटीआई में शायद आज भी है। सो ये जो लैंग्वेज है हमारी ड्राइंग की, ये ड्राइंग की लैंग्वेज से आप कोई भी चीज़ पिक्टोरियल व्यू तुरंत ग्रास्प कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज द एस्टिमेशन एंड स्पेशलाइजेशन। नाउ व्हाट डज इट मीन, एस्टिमेशन एंड स्पेशलाइजेशन मीन्स व्हाट। सो चलते हैं अभी फटाफट कि एस्टीमेट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो बहुत सारे लोग लोन लेते हैं बैंक से लोन लेते हैं, और वहाँ पे हर लेवल पे, मानो कि हमको पेमेंट करना है हमारे कॉन्ट्रैक्टर या जो भी कंसल्टेंट है या जो भी आर्किटेक्चर है, उसको अगर हमें हमारा पेमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें पैसे देने होंगे। बट हमें कैसे पता कि भाई ये इसके कितने पैसे होते, तो बैंक के पास भी एक एस्टिमेशन वाला होता है,
और हमारे पास भी एक एस्टिमेट वाला होगा, तो हम बैंक को बोल सकते हैं कि भाई प्लिन तक का काम हुआ है तो प्लीज़ आप इतना इशू कीजिए 40%। तो जैसे जैसे लेवल ऊपर ऊपर अपग्रेड होता जाएगा वैसे वैसे हम पैसे मांगेंगे। यानी उन्होंने हमें लोन सैंक्शन किया 40 लाख का, बट एक साथ देने की ज़रूरत नहीं, वो हमें पहले 5 लाख दे, फिर 5 लाख दे, बीच में ज़रूरत हो तो वो 8 लाख दे। ऐसे करते करते जब हम ले तो इसकी ज़रूरत हमें तो पता नहीं, बिकॉज वी आर लेमैन। सो ये बताने के लिए एक एस्टिमेशन वाले पर्सन की होना या उसके अलाइड ब्रांच में स्पेशलाइज होने वाले आदमी की बहुत ज़रूरत है। देन नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब ऐसा है कि बिकॉज दिस इज अ कंप्यूटर, सिविल इज अ कोर ब्रांच, और कोर ब्रांच होने के साथ इसके कई फायदे हैं और बहुत ज़्यादा फायदे हैं। वो ये कि कंप्यूट सिविल वाला आदमी पूरा बीई या बीटेक ग्रेजुएट होने के बाद कंप्यूटर आसानी से ज्वाइन करके वो एक कंप्यूटर इंजीनियर के नाम से जाना जा सकता है। बट कंप्यूटर इंजीनियर बाद में सोच के भी देखे कि वो सिविल में जाना चाहे तो वो उसके लिए असंभव है। सो कंप्यूटर की हम कोई भी ब्रांच कोई भी कोर्स कर ले तो हम कंप्यूटर में आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। बट हमारा बैकअप क्या रहेगा? बैकअप रहेगा हमारा सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारा कंप्यूटर रिलेटेड वर्क है। आज कोई भी ब्रांच, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर खराब है सिविल अच्छी है, बट कोई भी ब्रांच अगर बात करें तो कंप्यूटर की ज़रूरत है, बिकॉज इट गिव्स अ स्पीडी वर्क, वो हमें स्पीडी वर्क देता है, बहुत फास्ट तरीके से वर्क होता है। सो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हम बहुत सारे तरीके के सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो मैंने जितने आपको ये पॉइंट्स समझाए उन सब के अपने अपने अलग सॉफ्टवेयर हैं, तो हम उसमें ही अपना फ्यूचर करियर बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट टेक्निक। ये पूरा हो गया अब सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। अब ये सिविल इंजीनियरिंग में इतने इंजीनियर, इतनी सारी परमिशंस और इतना सब कुछ करना है, तो कब इलेक्ट्रिक का सामान लाना है, कब एग्रीगेट लाना है, कब सैंड लाना है, वो कौन बताएगा? हु विल डिस्कस और हु सपोज टू सेट कि दिस इज पर्टिकुलर थिंग कि हमें ये देना चाहिए। तो इसके लिए बहुत बरसों से प्रचलित में था एमएस प्रो सॉफ्टवेयर, अभी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। हम पहले के 10 साल के पीछे की बात करें तो वी आर गोइंग टू यूज़ अ बार चार्ट। बार चार्ट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक कि भाई ये एक्टिविटी खत्म हो गई थी, वो कब चालू होगी, वो चालू हो गई थी, ये कब खत्म होगी, अब इसकी ज़रूरत क्या है, मैनेजमेंट टेक्निक की ज़रूरत क्या है और इसे पाया कैसे जा सकता है। बहुत सारे लोग मैनेजमेंट टेक्निक को सीखने के लिए क्या करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट का कोई कोर्स करते हैं जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ हो, तो उस कंस्ट्रक्शन के कोर्स के करने के बाद दे हैव आइडिया, गुड आइडिया अबाउट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मानो कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और आज बारिश आ गई और हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 जितने लेबर है, तो क्या उनको फ्री रखते? नहीं। तो ये बारिश आने के बाद तुरंत उन लेबर को दूसरा काम देना चाहिए, अदरवाइज हमारा उस दिन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो ये पर्टिकुलर चीज़ को देखते हुए हमें मैनेजमेंट टेक्निक्स भी इसमें सीखना है। सो दिस ऑल आर द स्मॉल, दिस इज व्हाट अ स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अब तक जो मैंने बताया स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, ये एक छोटी सी ब्रांच नहीं है, ये इट्स अ वाइड स्प्रेड ब्रांच, ये बड़ा सा वटवृक्ष है जो काफ़ी दूर फैला हुआ है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये ब्रांच लेने से हमें उपलब्धि नहीं होगी या ठीक नहीं है, इसमें हम करियर नहीं कर सकते, बट मैंने आपको दिखाई इतनी सारी ब्रांच है, आपके चॉइस की ब्रांच है बहुत सारी, सो वी कैन टेक एनी। अब तो मैंने आपको इसका केवल स्कोप बताया, अब स्कोप बताया तो इतनी सारी ब्रांच के लिए एक एक इंजीनियर भी होगा, उसका क्या रोल है, लेट्स सी दैट। अब तक हमने जो देखा वो उसका स्कोप था, बट नाउ वी आर गोइंग टू सी अ रोल ऑफ सिविल इंजीनियर कि हर उस पर्टिकुलर ब्रांच में उसका क्या रोल है, क्या उसकी मुख्य और अहम भूमिका है। सो लेट्स सी वन बाय वन, जैसे हमने मटेरियल और ब्रांचेस को कैटेगराइज किया था, अब उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब वो पर्टिकुलर ब्रांच है उसका क्या स्कोप है या उसका इंजीनियर का क्या वर्क है। सो बिल्डिंग मटेरियल में इफ एनी इंजीनियर सप्लाई
अ मटेरियल देन दैट क्वालिटी ऑफ द मटेरियल शैल बी गुड। और ये गुड कहाँ चेक करेंगे, मटेरियल गुड है ये कैसे पता चलेगा? ये गुड पता करने के लिए हमें इंडियन स्टैंडर्ड से जो मापदंड मिले हैं, भारतीय मानक कहते हैं उसे, उसको लेके जांचना होगा तो हमें पता चलेगा। देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मीन्स मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वॉट एवर द स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर, दिस इज व्हाट द रोल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सप्लायर और इंजीनियर। देन नेक्स्ट इज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर कैन प्रोवाइड इकोनॉमिकल एज वेल एज सेफ डिज़ाइन, मीन्स उसके अंदर अब एक स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्क्रीट भी होता है और स्टील भी होता है। अब मानो हमने स्टील उसके अंदर प्रोवाइड किया ही नहीं प्रॉपर तरीके से तो कोलैप्स हो जाएगा, ज़्यादा प्रोवाइड किया तो अन इकोनॉमिकल हो जाएगा। सो बेटर है वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सेफ एंड इकोनॉमिकल। देन अर्थक्वेक इंजीनियर, अर्थक्वेक इंजीनियर इंश्योर्स ऑल द फोर्सेस। अब इसको लेने का तरीका ऐसे है कि आपके क्षेत्र में पिछले 100 साल में सबसे बड़ा अर्थक्वेक कब आया था, उसका डाटा वो इंजीनियर के पास होके उससे वो कैलकुलेट करके एक लीस्ट मैक्सिमम दोनों फोर्स के बीच का जो फासला है वो लेके स्ट्रक्चर को वो डिज़ाइन करता है। देन जियोटेक्निकल इंजीनियर, जियोटेक्निकल इंजीनियर्स नो द स्टेबिलिटी डाटा, माने एक पर्टिकुलर बिल्डिंग कितना लोड ले सकती है वो उस इंजीनियर को पता होना चाहिए तो ही वो बता पाएगा कि ये जगह पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का फुटिंग अलग है। भगवान ने हमें भी बनाया तो हमारे पैर की बनावट सबकी अलग है, हमारी अलग है, शेर की अलग है, पानी में तैरने वाले जीवों की अलग है। वो कौन डिसाइड करेगा अब? कि जियोटेक्निकल इंजीनियर डिसाइड करेगा कि भाई इसका कौन सा फाउंडेशन हो सकता है, ग्रिलेज फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, स्प्रेड फुटिंग या फिर पाइल फाउंडेशन, वो कौन बताएगा, वो सॉइल के ऊपर से। सो जियोटेक्निकल इंजीनियर इंश्योर्स, ये उसका काम है। देन नेक्स्ट इज अ हाइड्रोलिक्स वाटर सप्लाई रिसोर्सेज एंड इरिगेशन इंजीनियर। बेसिकली दिस थ्री आर द डिफरेंट रिसोर्सेस, बेसिकली दिस थ्री आर द डिफरेंट ब्रांचेस बट वी आर गोइंग टू क्लब टुगेदर। सो हाइड्रोलिक्स इंजीनियर ये ध्यान देखे कि भाई हमने जो डैम डिसाइड किया है वो बेस्ट और बेहतरीन हो, जो पानी पहुंचाने का सिस्टम है, कैनल है, बंड है, वो परफेक्ट है। इरिगेशन इंजीनियर ये सुनिश्चित करे कि हमने जहां से ब्रांचेस ट्रिब्यूटरीज किसानों के लिए दी है वो बरसात के समय या कोई भी समय ना टूटे ना फूटे, नहीं तो उसमें से पानी फैल के उसके खेती में चला जाएगा, ये काम इरिगेशन इंजीनियर का है। देन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियर प्रोवाइड्स अ गुड नेटवर्क। आपने बहुत बार देखा होगा कि बाजू वाले के घर में बहुत बढ़िया तेज़ी से पानी आता है और वहीं से हमारा घर 2 फीट के दूरी पे होता है, हमें पानी नहीं आता। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्लोप। इफ दैट पर्टिकुलर स्लोप हैज़ नॉट मेंटेन्ड बाय द वाटर सप्लाई इंजीनियर देन द प्रॉब्लम ऑकर्स थ्रू आउट योर लाइफ। सो ये काम उसका है। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स इंश्योर्स ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन विच इज़ नोइंगली और अननोइंगली हैपन इन सोसाइटी, वो उसके लिए जिम्मेदार है। यू कैन आस्क डायरेक्टली कि भाई हमारे यहाँ इतनी फ्यूम गैसेस आ रही है, आप क्या कर रहे हो, तो वो बताएगा कि हमने रिमेडियल मेजर्स क्या लिए, क्योंकि डेवलपमेंट के बीच में बहुत सारे रिमेडियल मेजर्स और रिमेडियल एक्शन, ये काम है एनवायरमेंटल इंजीनियर का। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग प्रोवाइड अ सेफ कम्युनिकेशन, हमें यहाँ से वहाँ जाना है तो वो सेफ पैसेज प्रोवाइड करेगा, वेदर इट इज़ अ एयरवे, रेलवे, पानी मार्ग, कोई भी हो वो हमें सेफ पैसेज क्रिएट करके देगा। देन टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू लॉज, डिज़ाइन एज पर टू नीड्स, और वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ नॉट लाइक कि वो कुछ भी बना दिया हो, कैसे भी प्लानिंग हो गया, ऐसे नहीं। इट्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि उन्होंने जो निर्धारित किया था उतने साल में उतने लोग वहाँ पे आए, वो सब काम टाउन प्लानर का। सर्वेइंग, सर्वेयर का इंश्योर्स करना है कि आपको प्रॉपर लोकेशन, मैप्स, रिलेटिव हाइट्स आपको प्रोवाइड करे। आप शायद इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर हम जामनगर पे है तो जामनगर माने ज़ीरो, बिकॉज वहाँ पे समंदर है, और अगर हम राजकोट में पहुँच जाते हैं तो राजकोट याने 80 मीटर, तो ये लिखा कहाँ होगा? तो ये लिखा होगा हमारे रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे पीला बोर्ड होगा पूरे इंडिया में, और पीले बोर्ड के ऊपर काले ही अक्षरों में लिखा होगा राजकोट, वो भी 3 बार, एक क्षेत्रीय भाषा,
और एक हिंदी और एक इंग्लिश, इन तीन भाषा में लिखना मैंडेटरी है। और उसके नीचे लाल अक्षरों में ये लिखा होगा समुद्र तल सपाटी से ऊंचाई कितनी है, या फिर M.S.L मतलब मीन सी लेवल क्या है। तो हमें पता चल जाएगा कि जामनगर में मानो कभी बाढ़ आ गई या समुद्री तूफान आ गया तो जामनगर वाले लोगों को राजकोट पहुँचने में कितना समय लगता है। ये काम कैसे सुनिश्चित होगा, जो सर्वेयर हमें लेवल प्रॉपर देगा। तो सर्वेइंग इट्स अ वाइड स्प्रेड ब्रांच और उसके बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस होने की वजह से हम एक जैसा उसके साथ नहीं बोल सकते कि यही होगा। देन ड्राइंग एंड ड्राफ्ट्समैन मीन्स व्हाट, ही प्रोवाइड्स अ गुड ड्राइंग। अगर वो गुड ड्राइंग प्रोवाइड करेगा तो ही हो सकता है, नहीं तो एक छोटी सी मिस्टेक कर दी ड्राइंग और ड्राफ्ट्समैन ने, दरवाजा कि जहाँ ओपनिंग है वो एक्सटीरियर साइड में दे दी तो हमारा पैनल बाहर की साइड में खुलेगा, तो आने जाने वाले लोगों को इट क्रिएट्स अ हिंड्रेंस। सो वो नहीं होना चाहिए, इट्स अ ड्यूटी ऑफ ड्राइंग एंड ड्राफ्ट्समैन। देन एस्टिमेशन एंड स्पेशलाइजेशन, प्रिपेयर अ इकोनॉमिकल बजट फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर अस। सो दिस इज अ वर्क ऑफ एस्टिमेशन एंड स्पेशलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन कैन बी क्लासीफाइड इन टू मेनी वे। जैसा इंजीनियर होगा ही कैन यूज हिज ओन सॉफ्टवेयर फॉर द स्पीडी वर्क, फास्ट काम करने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन को आपको जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर उस प्रकार का उसका एप्लीकेशन होगा। इट्स अ वाइड स्प्रेड ब्रांच। देन मैनेजमेंट टेक्निक्स, मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑल्सो अ वेरी करंट सिनेरियो के हिसाब से वो इनोवेटिव भी कहा जा सकता है। वो सारे वर्क को एक मैनेज फोर्स करके ले चलता है। सो मैनेजमेंट टेक्निक्स भी, मैनेजमेंट टेक्निक वाले का क्या काम है, सभी सामाजिक जो हमारे संगठन है, कॉन्ट्रैक्टर है, इंजीनियर है, संस्था है, भारतीय नियामक जो संस्थाएं है उसके साथ अच्छा तालमेल बना के वो मैनेजमेंट की टेक्निक से वो काम सरल और संबद्ध तरीके से कैसे जल्द हो उसका वो देखे, और उसके साथ साथ पैसा कम लगे, बिकॉज वी आर द डेवलपिंग कंट्री नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। नाउ द नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अभी ये इम्पैक्ट क्या है वो आपको सरल भाषा में सिखाया जाए तो अभी हमारा कोविड ख़त्म हुआ है, मतलब अभी चल ही रहा है, इंडिया में रोज केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि इंडिया में कोविड के वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो सभी जगह इंडस्ट्री बंद होने की वजह से अगले 2-3 महीने के लिए हम लोगों को आप पता चल रहा होगा कि ये मटेरियल की कमी हो रही है। वैसे ही सिविल इंजीनियरिंग में मानो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में अगर हमें किसी ने मटेरियल प्रोवाइड किया नहीं, मानो कि आज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आज से 2 महीने के लिए रेत बंद, पूरा सैंड का जो वर्क है वो बंद बिल्कुल। अब ये सैंड कहाँ कहाँ पहुँचती है, वेयर इट इज़ अप्लीकेबल, तो सैंड हमें PCC में चाहिए, RCC में चाहिए, प्लास्टरिंग के लिए चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल दो, फ्लोरिंग के लिए चाहिए। मानो ये बंद कर देंगे तो क्या होगा, इट्स इम्पैक्ट। अब ये सैंड किस पूरे इंडिया में कितना कंस्ट्रक्शन वर्क जुड़ता होगा, तो ऑलमोस्ट 20% से ऊपर ही कंस्ट्रक्शन वर्क चलता ही होता है। अब ये 20% के हिसाब से सब के सब 3 महीने के लिए रुक जाए, या तो सैंड के दाम बढ़ जाएंगे या सैंड की चोरी हो जाएगी। सो नाउ दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड द इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इफ एनी मटेरियल हैविंग अ लो वैल्यू और हाई वैल्यू। तो कम भी हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, हर एक इंजीनियरिंग में से हर एक मटेरियल इंजीनियर काम नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, अगर क्वालिटी वाला इंजीनियर काम नहीं करेगा तो जो स्ट्रक्चर 40 ईयर्स के लिए वी आर गोइंग टू थिंक और थॉट वो 10 साल में गिर जाएगा, तो नुकसान उसमें हमारा हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी वी आर गोइंग टू पे अ मनी। सो दिस इज व्हाट द इकोनॉमिकल वी वांट इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर। सो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होने के वजह से जो इम्पैक्ट है वो कम होगा। सो अर्थक्वेक इंजीनियर अपने फोर्सेस को इंश्योर करे, जियोटेक्निकल इंजीनियर वो अपनी स्टेबिलिटी बराबर तरीके से दे, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वाला ऐसा इंजीनियर जो हमें प्रॉपर तरीके का डैम बना के दे, वाटर और सैनिटेशन इंजीनियर जो है वो हमें वो प्रॉपर तरीके से नेटवर्क प्रोवाइड करे। यदि ये सारे लोग अपने तरीके से बराबर काम करते हैं तो हमारा जो इम्पैक्ट होगा वो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होगा, सस्टेनेबल इम्पैक्ट होगा। यदि ये लोग अपने तरीके से काम नहीं करेंगे देन दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। वो क्या हो जाएगा,
इट्स अ एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द इकोनॉमी, सो वो हमें नहीं होने देना है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. कि भाई इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये सिविल में ही क्यों लिया है. प्लानिंग किसे कहते हैं, शेड्यूलिंग आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, बट कि प्लानिंग क्यों जरूरी है. हमें कहीं पर जाना हो तो हमें खुद को ये तीन सवाल पूछने हैं, व्हाट, वेयर, हु एंड हाउ. क्या ये काम हो सकता है, कब ये काम हो सकता है, कौन ये काम करेगा और कैसे ये काम हो सकता है. अगर ये चार सवाल हम हमको खुद को पूछेंगे स्टार्ट कोई भी प्रोजेक्ट चालू होने के पहले कभी भी, तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोग्राम है, वो अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये अनसर्टेनिटीज को मिनिमाइज करता है. अनसर्टेनिटीज यानी मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आजू बाजू वाले लोगों ने कंप्लेंट कर दी और मेरा काम रुक गया कुछ समय के लिए. मेरा काम तो रुक गया बट वो लेबर्स को मैं एक्स्ट्रा पैसा पे अभी कर रहा हूँ, तो दैट इज अनसर्टेनिटी. सो वो अनसर्टेनिटी को टैकल करने के लिए मैंने क्या किया, तो मेरी दूसरी कोई साइट है उस पर मैंने उसको भेज दिया. सो इट इज़ इन माई कंसिडरेशन, इट इज़ इन माई प्लानिंग, इट इंक्रीजेज गुड कंट्रोल. अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका अपने काम के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकता है. देन प्लानिंग फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स. जब हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छी तरीके से आता है. एंड प्लानिंग लीड्स टू सक्सेस. प्लान किया हुआ कोई भी वर्क आज तक असफल नहीं हुआ है. सो ये प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, सम ऑफ द टेक्निक्स इन एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. बट डिटेल्स के लिए हमको इसको सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे तरीके से आगे देखना होगा. नाउ आज तक हमने अभी जो लेक्चर में पढ़ा है तो उसके ऊपर क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है कि इसका क्या स्कोप है सिविल इंजीनियरिंग का. सिविल इंजीनियरिंग का ये स्कोप है तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई रोल क्या है. जब हमें स्कोप समझ में आ जाएगा तो वी आर गोइंग टू से अबाउट सम रोल. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो सकता है और सिविल इंजीनियर क्या क्या काम कर सकते हैं. हम इतने सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक पे यहाँ पे पूछ सकते हैं और मल्टी एमसीक्यू तो कई सारे हो सकते हैं कि भाई एक सिविल इंजीनियरिंग का क्या रोल होता है, वो कैसे भूमिका निभाता है. सो दीज आर द सम ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. बहुत पेशेंटफुल सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद. थैंक यू.